दक्ष के होंठ ईया के गर्दन पर धीरे धीरे चल रहे थे। दक्ष ने ईया को अपनी गोद में उठाया और किचन के सामने बनी हुई लिफ्ट में ले गया। दोनों एक दूसरे को शिद्दत से देख रहे थे। दुश्मनी, बदला, सब कुछ भूल चुके थे। जैसे ईया की आंखों में सुकून था और दक्ष की आंखों में ईया की चाहत। लिफ्ट दक्ष के पोर्शन पर आकर रुक गई और दक्ष ईया को लेकर बाहर निकला। उसने ईया को अपने कमरे में लाकर बेड पर लिटाया और धीरे धीरे उसकी खुली हुई पीठ पर किस करते हुए ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। दक्ष के पीठ पर दौड़ते हुए होंठ ईया की मदहोशी को बढ़ा रहे थे। उसके मुंह से बड़ी ही मुश्किल से निकला, दक्ष। ईया ने इतना ही कहा था कि दक्ष ने उसे पलटा और उसकी साड़ी के पल्लू को उससे दूर कर दिया। ईया बुरी तरह से सिहर गई। उसकी बॉडी में हो रहे चेंज उसे मदहोश होने पर मजबूर कर रहे थे। दक्ष ने अपने जूते अपने पांव से रगड़ते हुए उतारे और आगे आते हुए मदहोशी भरे आवाज में बोला, या डोंट से एनीथिंग, जस्ट फील इट। यूं तो लंदन में पढ़कर आया था दक्ष, लेकिन आज तक उसने किसी लड़की को छूने की नियत से देखा तक नहीं था। ईया के करीब आने वाला भी दक्ष पहला इंसान था। ईया की बढ़ती हुई सांसें दक्ष को सुकून दे रही थी। ईया धीरे धीरे सिहर रही थी, उस पर रोम रोम खड़ा था। दक्ष ने ईया की क्लीवेज पर अपने होंठ रखे और अपना हाथ ईया के खुले हुए पेट पर रख कर सहलाने लगा। उसके हाथ ईया के लिए आग साबित हो रहे थे। दक्ष ने ईया की बॉडी से एक एक करके कपड़ों को आजाद कर दिया। दोनों ही कम्बल में लिपटे हुए थे। मदहोशी भरी आहें कमरे के माहौल को बड़ा ही खूबसूरत बना रही थी। ईया की छन छन करती पायल उसके मीठे दर्द का सबूत था। करीब एक घंटा बाद ईया ने थकान के नशे में चूर होकर कहा, दक्ष स्टॉप, स्टॉप इट। लेकिन दक्ष ने ईया की बात को अनसुना कर दिया। उसका प्यार वक्त के साथ गहरा और वाइल्ड होता जा रहा था। दोनों की आहें और ईया की हल्की हल्की चीखें गूंज रही। अनीता जी और जहांगीर जी अपने कमरे में थे। उन लोगों को सर्वेंट ने नाश्ता करा दिया था। अनीता जी ने परेशानी से जहांगीर को देखते हुए कहा, आपको पता है आज मुझे कितना गुस्सा आ रहा है। बदले की आग में आपने उस ईया की शादी दक्ष से करा तो दी, मगर मुझे नहीं लगता कि दक्ष बदला ले पाएगा। एक ही रात में उस लड़की के पीछे पागल हो चुका है वो। जहांगीर के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें नहीं पता नहीं था, लड़की के पीछे पागल होने में और उसके जिस्म के पीछे पागल होने में फर्क होता है। जिस्म का नशा उतर सकता है और दक्ष को सिर्फ उसके जिस्म की लत लगी है। अनीता जी परेशान होकर, लत चाहे किसी की भी हो तो लत है ना। अगर हमारे बदले के बीच में उस लड़की का जिस्म भी आया तो मैं आग लगा दूंगी उसके अंदर। वहीं दूसरी तरफ दक्ष के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो ईया के पास ही कंबल में लिपटा हुआ था। उसने ईया को देखा जो थकान से चूर हो चुकी थी। उसको देखकर दक्ष ने अपने मन में सोचा, ऐसा क्या है इस लड़की में जो मैं इसके पीछे इतना पागल हो रहा हूँ? मुझे इसके पास आकर सुकून क्यों मिलता है? दक्ष सिंघानिया, अपने बदले को याद करो। तुम्हें इस लड़की को अंदर तक तोड़ना है, दर्द देना है। उसके अगले ही पल उसने ईया को हिलाते हुए कहा, ईया, ईया उठो। ईया नहीं उठी तो दक्ष ने ईया को झंझोड़ दिया। ईया एकदम से हड़बड़ा कर उठी और बोली, क्या क्या हुआ? उसकी आवाज घबराई हुई थी। दक्ष ने डेविल स्माइल के साथ रूड बिहेव करते हुए कहा, उठो, अपने कपड़े पहनो और कुछ खाने के लिए बना कर लाओ, मुझे भूख लगी है। शादी हो गई मगर बीवियों वाले फर्ज नहीं पता तुम्हें, जाकर खाना बना कर लाओ। दक्ष का रूड बिहेवियर देखकर ईया की आंखें नम हो गई। उसने अपने मन में सोचा, इतने हैरान क्यों हो रही हो ईया? उसने तुम्हें अपने स्लेव ही तो कहा है, अब वो ही तो कर रहा है। जब जिस्म की जरूरत होती है तो करीब आता है, और तुम भी मदहोश हो जाती हो उस आदमी के साथ। इस्तेमाल कर करके फिर से वही रवैया अपना लेता है। ईया के चेहरे के भाव देखकर दक्ष समझ पा रहा था कि ईया क्या सोच रही है।
उसने किया को हिलाते हुए कहा। ज्यादा मत सोचो और चुपचाप जाकर मेरे लिए कुछ बना कर लेकर आओ, वरना मुझे दोबारा शुरू होने में देर नहीं लगेगी। मैं अपनी भूख तुम्हें खाकर मिटा लूंगा। इतना बोल दक्ष जैसे ही करीब आया, किया ने कंबल अपने ऊपर खींच लिया और अपने बदन पर लपेट कर बिना उसकी तरफ देखे बाथरूम में चली गई। कुछ समय बाद किया बाथरूम से बाहर आई। उसने सिंपल कुर्ती सलवार पहना हुआ था। वो चुपचाप बाथरूम से निकलकर कमरे से बाहर चली गई। दक्ष उसको सोफे पर बैठा हुआ देख रहा था। दक्ष ने इस वक्त सिंपल लोअर टी शर्ट पहना हुआ था। वो भी जाकर बाथरूम में फ्रेश हुआ। उसके बाद वो बाहर आया। उसने व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी हुई थी। दक्ष कमरे से बाहर निकल आया। वो सीधा अपने माँ बाबा के कमरे में गया। कमरे में जाकर उसने देखा अनीता जी और जहांगीर जी आपस में कुछ बात कर रहे थे। दक्ष अंदर आया तो अनीता जी एकदम से चुप हो गई। अनीता जी को खामोश देख कर दक्ष बोला, क्या हुआ मॉम, आप खामोश क्यों हो गई? दक्ष को देख कर जहांगीर जी बोले, सवाल तो हमें तुमसे करना है। जहांगीर जी की बात का जवाब देते हुए दक्ष ने कहा, कौन सा सवाल डैड? जहांगीर जी ने गुस्से से उसको देखा और कहा, बदला याद है ना, या भूल गए हो उस लड़की के जिस्म को देखकर? उनकी बात सुनकर दक्ष के हाव भाव ही बदल गए। वो खुद नहीं जानता था कि उसे क्या जवाब देना है। उसने बात को संभालते हुए कहा, डैड याद है मुझे, कैसे भूल सकता हूँ? आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैंने एक ही रात में इया को अच्छे से तोड़ दिया है। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, अपने भाई की मौत का बदला मैं अच्छे से लूंगा। अनीता जी और जहांगीर जी ने दक्ष की बात सुनी तो एक राहत की सांस ली। अनीता जी ने जहांगीर जी को एक नजर देखा और फिर मुस्कुरा दी। दक्ष ने अपने मॉम के पास आकर उनके गले लगते हुए कहा, मॉम आपको तो इस बात का पता होना चाहिए कि आपका बेटा इतना कमजोर नहीं है जो किसी लड़की के आगे झुक जाए। मैंने उस लड़की से बदले के लिए शादी की है, इस बात को बहुत अच्छे से जानता हूँ, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। दक्ष ने अपने माँ बाप दोनों को समझाया। उसके बाद चुपचाप वो कमरे में आ गया। दक्ष खामोश सा अपने कमरे के सोफे पर बैठा हुआ था और अपने मन में सोच रहा था, क्या जादू किया है इस लड़की ने मुझ पर एक ही रात में? मुझे इस लड़की को दर्द देने में खुद इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? इस लड़की की मासूमियत मुझे खुद में खोने पर मजबूर कर रही है। दो बार इसके करीब आया हूँ, दोनों बार खुद को भूल बैठा हूँ। आखिर क्या है इस इया में? उस इया राजपूत, तुम मुझे पागल करके छोड़ोगी। दक्ष अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि तभी कमरे का दरवाजा खुला और इया की छनछन करती हुई पायल की आवाज दक्ष के कानों में पड़ी तो दक्ष एकदम से पलट गया। उसने सामने देखा इया ट्रे में खाना रखकर ला रही है। उसके बाल उसके गालों पर आ रहे थे जो उसे परेशान कर रहे थे। इया के चेहरे पर झुंझलाहट थी। दक्ष ने इया को देख खुद से ही कहा, तेरे सुनहरे रूप में खो गया है मेरा भी, नहीं समझ है मेरा ही या हो गया है तेरा भी। ख्वाब सी है तू और मैं रात बन सी, अभी इस रात में मुझे ख्वाब की तरह। इया के खोए हुए चेहरे में दक्ष भी खोसा गया था। या इया की मासूमियत भुला देगी दक्ष का बदला? जानने के लिए देखते रहिए डेविल इनोसेंट वाइफ का अगला एपिसोड हमारे यूट्यूब चैनल कहकशा एफएम पर।